एवरीवन, और एक और नए वीडियो में, एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जैसा कि आरपीसी का जो स्पोर्ट काउंसलिंग आपका चल रहा है, तो अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और रिजल्ट आपका कब आएगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको कैसे अपलोड करना है, वो कैसे करना है? सबसे पहले देखो, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने जो 1 से 5 नवंबर तक अपना चॉइस लिंग आपने कर दिया था, अब उसके बाद में क्या हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट को जब यूनिवर्सिटी ने आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, या पहले जब आईसीआर के टाइम पर आपने अपलोडेड थे आपके ऑलरेडी, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, तो आपने जस्ट उनको क्या कर दिया, सेलेक्ट करके सेव कर दिया, दोबारा आपने आईसीआर का रैंक कार्ड दोबारा आपने अपलोड किया था, बस वो कर दिया। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने ऑब्जेक्शन उठाया, अगर किसी का ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था सेंट्रल वाला, तो उसके बारे में बोला कि उसको आपको अपलोड करना है, किसी का एडमिट कार्ड नहीं था, किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो सब बताया। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स था यूनिवर्सिटी द्वारा 6 से 7 तक, मतलब आज तक इसको वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद में देखो भाई, अगर आप किसी, आप सब में से किसी को मेल आया है, उन्होंने बोला है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बट सब्जेक्ट टू एडिशन करके ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपको बता रखा है, तो वो 8 तक आपको अपलोड करना है। उसका देखो टाइम है, 8 तक आपको अपलोड कर देना है, मतलब कल तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देन आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको 10th को इसमें दिखा रखा है कि 10th तक आपका मोस्ट प्रॉब्ली, मैक्सिमम चांसेस 10th को आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ना, rpcuonline.in इस पोर्टल पे आपको जाना है। इस पोर्टल पे जाने पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करोगे, एप्लीकेंट लॉगिन क्लिक करोगे तो अपना आपको लॉगिन कर लो। जैसे आप अपना लॉगिन कर लोगे तो देखो, अगर आपको ऐसा ऑब्जेक्शन आया है कुछ करके कि देखो ऐसा आपको शो करेगा एप्लीकेशन स्टेटस करके कि कन्फर्म एंड पेड, बट देखो वेरीफिकेशन स्टेटस में वेरीफाई शो कर रहा, बट लिखा हुआ है यहाँ पे देखो सब्जेक्ट टू एडिशन, जैसे इस स्टूडेंट को बोला था नीड टू अपलोड स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको जो स्कूल से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला है वो इनको अपलोड करना था, तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन वाला, इस पर क्लिक करके आपको अपलोड कर देना है एडमिट कार्ड वाला, जो इसमें ये वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले सेक्शन पर आप क्लिक करोगे तब आपको ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट को यहाँ पे लिखा हुआ कंफर्म टू पेड, बट इनको क्या अपलोड करने को बोला है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो भाई आपको 8 तक आपके पास टाइम है, मतलब कल तक आपको ये अपलोड कर देना है, ठीक है ना, ये आपको ज़रूरी है, कल तक आपको अपलोड कर देना है। ऐसे आपको शो होगा एप्लीकेशन आपका पेंडिंग, और ऐसा करके देखो यहाँ पे ऐसा करके शो होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और तो इस वीडियो का मेरा बनाने का मेन पर्पज़ था आपको बताना कि देखो रिज़ल्ट के लिए आपको परेशान नहीं होना है, रिज़ल्ट आपका 10th नवंबर तक रिज़ल्ट आ जाएगा, जब भी आएगा तो मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना, आपको यहाँ पे जो भी ऑफिशियल अपडेट्स होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको बता दी जाती है, जिससे कि आप उनको मिस ना कर पाओ। और बात रही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे इनको करना है, और 8 आपका लास्ट डेट है, 8 तक को आपको वो करना है। अब बोल रहे थे कि सर इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, देखो अगर आपको इसके अंदर में कॉलेज मिलता है तो जो आपका फ़ी रहेगा, जो आपको आईसीआर के थ्रू आपने जो एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, तो जितना फ़ी उनको पे करना पड़ता है उतना ही फ़ी आपको पे करना पड़ेगा, उसके एक्स्ट्रा फ़ी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जो 10,000 रुपीज़ आप जो पहले 10,000 रुपीज़ आपको पे करने होते थे आईसीआर को, अब आपको ये 10,000 रुपीज़ आपको यूनिवर्सिटी को पे करने होंगे, ठीक है ना। जो सीट एक्सेप्टेंस आपका फ़ी है जो यूनिवर्सिटी को 10,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, जो कि 10th को आपको पे करना है, ठीक है ना। तो चलो, तो इस वीडियो में इतना ही।